पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में पोस्टर वार जारी है। अपने अपने नेताओं को लेकर जमकर सोशल मीडिया पर दोनों ही दल आमने सामने। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भाजपा कांग्रेस में इन दिनों जबरदस्त पोस्टर वार शुरू हो चुका है। ताजा मामला कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर हुआ है, जिसमें उन्हें रावण के रूप में दर्शाया गया। कांग्रेस के पोस्टरों के जवाब में भाजपा ने यह पोस्टर जारी किया, जिसका शीर्षक है भारत खतरे में। आगे लिखा था कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन जॉर्ज सोरोस निर्देशित। भाजपा ने लिखा कि नए युग का रावण धर्म विरोधी राम विरोधी है, इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और इसे बेहद घातक करार दिया। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी एक्स पर ही पीएम मोदी की तस्वीर सबसे झूठा शिक्षक के साथ शेयर की थी। साथ ही एक अन्य पोस्टर में पीएम को जुमला बॉय भी कहा था। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को रावण दिखाने वाले घटिया ग्राफिक्स के पीछे असली मंशा क्या है। इसका एक ही मकसद है, एक कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाना, जिनके पिता और दादा की हत्या उन ताकतों ने की थी जो भारत को तोड़ना चाहते थे। भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने अब एक्स पर पीएम मोदी को मोदोनव दिखाते हुए पोस्टर जारी किया। इसका शीर्षक है हिंदुस्तान खतरे में है, मोदोनव भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी प्रोडक्शन परम मित्र अड़ानी निर्देशित। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि ये नए युग का मोदोनव है, ये दुष्ट है, लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है, जनता विरोधी है, मानवता विरोधी है। इसका एकमात्र लक्ष्य भारत और इंडिया के विचार को नष्ट करना है।